मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज योर क्लास थर्ड और टॉपिक है आपका मैथ्स का। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स। हाउ आर यू बेटा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और आप बताओ? घर पर स्टडी चल रही होगी आपकी और घर बैठ के आप लोगों ने पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो स्कूल में 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो हमने एक्सरसाइज मटेरियल की थी 5.5, ये थे आपके मल्टीप्लाई और आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्या थे? फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6। हेडिंग है मल्टीप्लाई। हेडिंग क्या है? मल्टीप्लाई। सबसे पहले डेट है आपकी, क्लास है थर्ड, सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको बताया ही था हमने। अब है आपकी एक्सरसाइज 5.6। सब बच्चे अपने अपने बुक्स को लें। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक और अपनी नोटबुक भी निकाले बेटा। ए बी सी डी पार्ट 58 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। से 93 को 25 से 71 है आपका 71 को 14 से 94 को 57 से 94 को 57 से ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। All students write carefully. सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक में लिखेंगे, नोटबुक में। बुक में भी स्पेस है, आप उसमें पेंसिल से कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। फर्स्ट है आपका 58 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, 93 को 25 से, 71 को 14 से एंड 94 को 57 से। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। पहले आपने 1 डिजिट से की थी, अब है आपकी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई। सब बच्चे ध्यान से लिखे एग्जाम। एक्सरसाइज 5.6 का ए पार्ट बिल्कुल ठीक है जी। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली।
पर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ए पार्ट को। टू का टेबल गिनेंगे बेटा पहले, टू एट जा 16 कैरी वन, टू फाइव जा 10 और वन 11। आपको टेबल भी क्लियर होने चाहिए बेटा। फिर अगले डिजिट के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई डाला, थ्री एट जा 24 कैरी टू, थ्री फाइव जा 15 में टू प्लस करेंगे 16 17। सिक्स के नीचे कुछ नहीं है तो सिक्स का सिक्स, फोर और वन फाइव, सेवन और वन एट, वन का वन। दिस इज योर आंसर। अब इन बच्चों ने समझ लिया, अब इसका बी पार्ट आप खुद करें, आपको एक दो मिनट दे रही हूँ मैं। ऑल स्टूडेंट्स साइड केयरफुली बेटा, सब बच्चे ध्यान से लिखें, सब बच्चे ध्यान से लिखें बेटा। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर, दिस इज योर बी पार्ट बेटा। अब आप सी पार्ट खुद करेंगे, पहले फोर का टेबल वन तक काउंट करें, मल्टीप्लाई करें, फिर फोर का टेबल सेवन तक मल्टीप्लाई करें, फिर आप वन का टेबल वन तक, फिर वन का टेबल सेवन तक, फिर जो आ जाए आपका आंसर उसको प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट। अब है आपका सी पार्ट, सब बच्चे ध्यान से देखें, दिस इज योर ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट। अब है आपका सी पार्ट, फोर वन जा फोर, फोर सेवन जा 28। नेक्स्ट डिजिट के लिए हमने एक मल्टीप्लाई लगाया, वन वन जा वन, वन सेवन जा सेवन, प्लस करें फोर का फोर, एट टू वन नाइन, सेवन और टू नाइन, दिस इज योर आंसर बेटा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सब बच्चे ध्यान से करें, बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। करना है आप खुद
बाकी से खुद सॉल्व करेंगे। 2 मिनट है आपके पास। सेवन का टेबल फोर तक काउंट करें। सेवन फोर दा सेवन जो सेवन सेवन टू द फोर्टीन सेवन थ्री दा 21 सेवन फोर दा 28 सेवन फोर दा 28 कैरी टू सेवन नाइन दा 63 और टू प्लस करेंगे 65 मल्टीप्लाई 5 फोर दा 20 कैरी 2 5 9 45 2 47 अब प्लस करें 8 का 8 5 की जो कुछ नहीं है 5 6 और 7 13 कैरी 1 4 over 5 दिस इज योर आंसर बेटा 5 3 5 8 5 3 5 8 बिल्कुल ठीक है आपका। This is your A, B, C and D. All students write carefully बेटा। आपको राइटिंग समझ आ रही है बेटा? क्लियर है आपको? साउंड आ रही है? मुझे थोड़ा सा साइड में इसलिए होना पड़ता है ताकि आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर नज़र आए। कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और 1 से 3 बजे के बीच में स्कूल में भी आ सकते हैं। और यहाँ तक जितना भी आपको वर्क मिलता है वहाँ तक अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लें। मल्टीप्लाई में आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, नहीं तो आप स्कूल में आकर हमसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था मल्टीप्लाई। सब बच्चे ध्यान से उतारें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड ए बी सी डी पार्ट। अब है आपका ई और एफ पार्ट। ई और एफ पार्ट जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा वो स्कूल में आए और अपनी बुक्स खरीदें। बुक्स के बिना आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। आप अपनी बुक्स खरीद लें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने। अब है हमारा ई पार्ट। इरेज कर सकते हैं ना? अब मैं आपको ई और एफ दे रही हूँ, 2 मिनट भी दूंगी ताकि आप कर सकें। 32 को 23 से करिए मल्टीप्लाई। 63 को 24 से अब है आपके पास ई और एफ पार्ट। सब बच्चे पहले ई पार्ट करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी आपको ई और एफ पार्ट। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली डिजिट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से डिजिट उतार रहे हैं ब्लैक बोर्ड से बेटा। अगर डिजिट गलत हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ये करने इससे रिलेटेड, जैसे मैंने कल आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड टेस्ट दिया था, आज इनसे रिलेटेड भी आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा 3 या 4 क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स
अब है आपका ई पार्ट, दिस इज योर ई पार्ट। 32 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम यहाँ लेंगे 3 का टेबल, 3 का टेबल 2 तक, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। अब हमें इससे क्या करना है, प्लस 6 का 6, 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 1 7, दिस इज योर आंसर। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके वर्क करना। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा आंसर सब बच्चे ध्यान दें एक बार, और सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे। 3 का टेबल 2 तक, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, मल्टीप्लाई डालेंगे डेफिसिट के लिए, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, 6 का 6, 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 1 7, दिस इज योर आंसर। अब एफ पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, 1 मिनट है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखिए ब्लैक बोर्ड से, सब बच्चे अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करें बेटा साथ के साथ। एफ पार्ट ध्यान से करें बेटा, 63 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, देन आप उसको 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर आ जाएगा आपने उसको प्लस करना है। अब है आपका एफ पार्ट, 4 का टेबल 3 तक करिए, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 सिक्स जा 24 और 1 25। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखिए एक बारी, 4 थ्री जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। अब 2 का टेबल 3 तक, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सबसे बड़ी बात है बेटा, डिजिट के नीचे डिजिट ऐसे आना चाहिए, अगर स्पेस इधर आपने जगह हिला दी इसकी तो आंसर रॉन्ग आएगा। अब प्लस करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2, 5 और 6 कितने होते हैं 11, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 का 1, दिस इज योर आंसर। सब बच्चे एफ पार्ट तक उतार लें, सब बच्चे एफ पार्ट तक कर लें। बिल्कुल ठीक है जी, 2 मिनट्स हैं बेटा, यहाँ तक करिए, फिर हम आपको करवाएंगे जी और एच, जी और एच। अब है आपका जी पार्ट, कौन सा पार्ट है, जी पार्ट, आप खुद करेंगे बेटा उसे।
59 को 27 से, 59 को करिए बेटा 27 से, और एच पार्ट है आपका 32 को 17 से। को 27 से एंड 32 को 17 से, देखो ठीक है। 2 मिनट्स हैं आपके पास, करिए इसको सॉल्व। 7 का टेबल 9 था, फिर 7 का टेबल 5 था। जी पार्ट करें, 7 का टेबल 9 तक बताइए, 7 9 था 63, कैरी 6, 7 5 था 35, प्लस 6 प्लस करें 7 5 था 35, 36 37 38 39 40 41। कैरी 1, 2, 5, 10 और 1, 11, करिए इसको प्लस 3, 8 ओवर 9, 4 ओवर 5, 1 का 1। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर जी पार्ट। कौन सा पार्ट है? जी पार्ट। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा आंसर ई एफ जी एच। अब है हमारा एच पार्ट, ये आप खुद करें। अब है आपका एच पार्ट, 7 का टेबल 2 तक, 7 टू जा 14, कैरी 1, 7 थ्री जा 21 और 1 22, 1 टू जा 2, 1 थ्री जा 3, प्लस करेंगे 2 टू जा 4, 3 टू 5। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर एच पार्ट, बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सब बच्चे ध्यान से करें, एक बार मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। ये 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, 2 3 6। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, 6 का 6, 9 4 13 का 3, कैरी 1, 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 4 3 12 का 2, कैरी 1, 4 6 24 और 1 25, 2 3 6, 2 6 12, प्लस करेंगे 2 का 2, 6 5 11, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 1 का 1। नेक्स्ट 7 9 63, कैरी 6, 7 5 35 और 6 41, 2 9 18 का 8, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11। जो कैरी होता है बेटा हमेशा उसको प्लस करते हैं, अब हमने इसको प्लस करना है 3 का 3, 8 1 9, 4 1 5, 1 का 1। नेक्स्ट है 7 2 14, कैरी 1, 7 3 21 और 22, 1 2 2, 1 3 3, 4 का 4, प्लस करेंगे 2 2 4, 3 2 5। दिस इज योर आंसर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक टेस्ट दे रही हूँ, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, एक टेस्ट। सब बच्चे पहले ध्यान से उतार लें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से करें, दो मिनट हैं आपके पास, जल्दी करें बेटा। आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, टीचर्स को समझ आए। गैप में करेंगे, बीच में लाइन खींचकर एक पार्ट राइट साइड, एक पार्ट लेफ्ट साइड, ऐसे कर लेना।
लेकिन आप इसके बीच में डिवाइडर जो है पेंसिल से ही खींचेंगे। थर्ड क्लास है, आपने पेंसिल से ही वर्क करना है, पेन का यूज़ नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर ई एफ जी एच। अब है इससे रिलेटेड टेस्ट, आपको टेस्ट भी ध्यान से ही उतारना है। हो गया बेटा, अब आप लिखेंगे टेस्ट। हेडिंग तो यही रहेगी मल्टीप्लाई, अब आप लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट में दिए हैं, आपने ये टेस्ट करना है अपनी नोटबुक में, फिर आपने मुझे ग्रुप में सेंड करना। कुछ बच्चों का वर्क बहुत ही अच्छा आता है, मैं चाहती हूँ पूरी क्लास का वर्क अच्छा है। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली टेस्ट इन द योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से करें। ए पार्ट है आपका 32 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, बी पार्ट है आपका 46 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, सी पार्ट है आपका 91 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, और डी पार्ट है आपका 72 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 1 to 12। दिस इज योर टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बेटा बुक्स नहीं हैं वो स्कूल में आकर अपनी बुक्स अरेंज करें, और अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी जिस भी सब्जेक्ट का हो बहुत अच्छे से तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी प्रॉब्लम हो 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से मिल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपको वर्क दिया जाता है आप उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, और बाहर जाते वक्त मास्क जरूर लगाएं। आपकी अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा।